साथियों, बहुत बड़ी खबर निकल करके सामने आ रही है। स्वतंत्रता दिवस के कार्यक्रम से लौट रही 15 साल की लड़की का दिन दहाड़े अपहरण कर लिया गया। कार में आए दो युवकों ने इस वारदात को अंजाम दिया है। घर जा रही छात्रा को सरेआम युवकों ने कार में उसे खींच लिया और 9 किलोमीटर आगे तक गए। इसके बाद लड़की को सड़क किनारे फेंक गए। उधर घटना के विरोध में गांव वालों ने स्टेट हाईवे 2 घंटे तक जाम रखा। सड़क के दोनों ओर गाड़ियों की कतारें लग गई। मामला सांचौर के रानीवाड़ा इलाके का है। थानाधिकारी मोहनलाल गर्ग ने बताया कि अदापुरा पुलिया के पास रोड़ा गांव की रहने वाली एक 15 साल की किशोरी बेहोशी की हालत में मिली थी। सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची। किशोरी का मुंह चुन्नी से बंधा हुआ था। पानी की छींटे देकर उसे होश में लाया गया। इसके बाद इलाज के लिए रानीवाड़ा CHC में लाया गया। अस्पताल में इलाज के बाद किशोरी ने पुलिस को बताया कि वो 15 अगस्त का कार्यक्रम देखने घर से रोड़ा गांव के स्कूल में गई थी। स्कूल और गांव के बीच की दूरी करीब 1 किलोमीटर है। लौटते वक्त बड़गांव रोड पर इको कार रुकी। उसमें 2 युवक थे। उनके मुंह कपड़े से बंधे हुए थे। उन्होंने लड़की से बड़गांव का पता पूछा। लड़की ने बड़गांव जाने के रास्ते की ओर इशारा किया। इतने में दोनों युवकों ने उसका हाथ पकड़ लिया और खींचकर कार में बैठा लिया। साथियों, पुलिस को लड़की ने बताया कि युवकों ने एक लिक्विड छिड़का, इससे वो बेहोश हो गई। जब उसे होश में आया तो कुछ लोग उसके आसपास थे। गांव वालों के पूछने पर किशोरी ने अपने गांव और घर वालों के बारे में बताया। इसके बाद परिवार वालों को सूचना दी गई। साथियों, उधर घटना से नाराज ग्रामीणों ने अदापुरा में अबू रोड सांचौर स्टेट हाईवे को जाम कर दिया। दोपहर करीब 2 से शाम 4 बजे तक हाईवे पर आवाजाही बंद रही। घर वालों और समाज के लोगों ने बैठक की। बैठक के बाद पुलिस ने आंदोलनकारियों को समझाने का प्रयास किया। घर वालों ने बताया, लड़की ने 1 साल पहले ही पढ़ाई छोड़ दी थी। वो आज ही स्कूल की ड्रेस पहनकर कार्यक्रम देखने गई थी। उसने 10वीं तक पढ़ाई कर रखी है। साथियों, आप भी ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करें इस लड़की को, और न्याय दिलाने के लिए आप इस वीडियो को शेयर कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और कमेंट में अपनी राय दे सकते हैं। धन्यवाद।